गंजम जिले के आसिका में 2008 में हुई सूरी मोहंती की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला द्वारा 9 साल की सुनवाई के बाद आज अदालत ने फैसला सुनाया कि इस घटना में शामिल 7 में से 5 लोगों को बरी कर दिया जाए और अन्य 2 अपराधियों को 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए। इसके बाद अपराधियों ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ओडिशा हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 2013 से चल रही है, जिसका फैसला आज हुआ है। जो सूरी मोहंती हत्या घटना केस विचार चल रहा दीर्घ 9 वर्ष धरी आज तर जजमेंट शुणी मान्यवर अदालत केस रो मेरिट जो कह जाए ताले अति दुर्बल प्रमाण केस रे मिली विरुद्ध तथा मान्यवर अदालत तंकर क्षमता अच्छी से तार एप्रिसिएशन करी से तो दंडित करछंती आजीवन कारादंड कि जहाँ साक्षीलक्ष प्रमाण अच्छे अति दुर्बल श्रेणी प्रमाण अच्छे आम तुरंत मान्यवर उच्च न्यायालय अपील करूँ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତ ଖଲାସ କରିବେ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ହେଇଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଖଲାସ କରାଗଲା? 2 ଜଣଙ୍କୁ 7 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଦଳ ପ୍ରମାଣ ଭାବରୁ। ଏବଂ ସୁଶୀଲ ବେହେରା ଏବଂ ବିକ୍ରମ ମଲ୍ଲିକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ କଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଜଜମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମର କେସ୍କୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିବେ।